गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएसएन स्कूल 11th क्लास। कल मैंने आपको एक वीडियो पहले अपलोड किया है, उसके अंदर मैंने आपको सेंसेस एंड सैम्पलिंग के बारे में बताया था। सॉरी, सेंसेस के बारे में, सेंसेस और सैम्पलिंग के जो मेथड थे वो आज मैं बता रही हूँ। सैम्पलिंग के, सेंसेस के बारे में तो पूरा हो चुका है, आज मैं मेथड और सैम्पलिंग के बारे में ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका पूरा बुक में से, आप इसको बहुत इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। सो मैं ये कह सकती हूँ कि इसके अंदर आप लोग जो ये पढ़ रहे हैं, ये 4 मेथड्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मेथड्स में आपको रिसर्च जो करते हैं उनके लिए ये है कि वो 4 तरह से सैंपल लेते हैं। वो सैंपल किस किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको एक बार अच्छी तरह से समझा रही हूँ। सामने आपको बोर्ड पे जो सारा सब कुछ मैटर मैंने लिखा है उसके बारे में, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। फर्स्ट मेथड है हमारा रैंडम मेथड। रैंडम जैसे नाम से ही मालूम है हमें कि रैंडम मतलब क्या होता है, वेयर द इंडिविजुअल यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड एट रैंडम। हम पॉपुलेशन के बारे में सोचते हैं कि कहीं से भी हम कोई भी आंकड़ा उठा लेते हैं रैंडम पूरे। जैसे मैंने आज मान लो राजस्थान के सारे क्षेत्र, सारे जो स्टेट्स हैं उनके बारे में मैं एक एस्टिमेट लगा सकती हूँ कि मैं मान लो मैंने सिर्फ अजमेर का ही डेटा लिया और उससे मैं लगा सकती हूँ कि टोटल पॉपुलेशन में इसका एक पार्ट कितना है। या हम क्लास के आधार पर भी ले सकते हैं कि हम टोटल मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मैं रैंडमली किसी भी स्टूडेंट के 30 स्टूडेंट्स का मैं डेटा उठा सकती हूँ। तो ये एक रैंडम मेथड होता है, मतलब इसमें एक पर्टिकुलरिटी, किसी एक चीज़ पर जोर नहीं दिया गया है, रैंडमली बोला गया है कि रैंडम कहीं से भी किसी का भी। तो इसके अंदर कोई ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके मेरिट्स के आधार पर मैं बता सकती हूँ इसके क्या क्या मेरिट्स है। इसमें इक्वल चांस मिलता है किसी भी स्टूडेंट या किसी भी सेक्शन को, वो इक्वल चांस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है उसका चांस आए भी या नहीं आए। और ये एक मेथड सिंपल मेथड है, ये हमने अभी बताया कि रैंडम मेथड एक सिंपल मेथड है, इसमें कोई भी पर्टिकुलरली एक डिफरेंट मेथड नहीं है ये। सेकंड, इसके डिमेरिट्स क्या क्या हैं। डिमेरिट्स में आता है ये इम्पॉर्टेंट आइटम मिस हो जाते हैं इसके अंदर। हम ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट आइटम मिस कैसे हो जाते हैं कि जो हमें वास्तव में जिस आइटम का हमें डेटा चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, रैंडमली हम किसी को भी उठा सकते हैं। थर्ड, सेकेंड इसमें आता है डिमेरिट्स में, नॉट सुटेबल फॉर इम्पॉर्टेंट फॉरकास्टिंग। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जिसका आंकड़ा लेना है, जिसका डेटा लेना है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं हो पा रहा है, उसका हम डेटा नहीं कलेक्ट कर पा रहे क्योंकि वो रैंडम मेथड में हमारे आया ही नहीं, वो सिलेक्शन में आया ही नहीं। तो ये रैंडम मेथड आप लोगों का था। सेकेंड मेथड आता है हमारा पर्पस। पर्पसेस मेथड में क्या होता है बेटा, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर पर कि अपने पर्पस के आधार पर, कहते हैं ना अपनी गणित सीधी करना, अपना उल्लू सीधा करना, वो अर्थ है इसमें कि पर्पस ऐसा होना चाहिए कि उसने किस पर्पस, किस कारण से वो सर्वे कर रहा है और किस कारण से वो सैंपल ले रहा है, तो उसके बारे में ये आना चाहिए कि वो अपने पर्पस के आधार पर ही काम करेगा। मान लो एक मैंने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, 50 स्टूडेंट है, उस 50 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो मुझे ये लेना है कि मैं 30 और 20 इनमें से किसी भी स्टूडेंट, इन दोनों को मैंने 30 बॉयज़ और 20, अब पर्पस के आधार पे मुझे 15 बॉयज़ का चाहिए या 10 बॉयज़ का चाहिए या 20 गर्ल्स का चाहिए, तो वो डेटा मुझे पर्पस गर्ल्स का ही चाहिए या बॉयज़ का भी चाहिए, तो वो पर्पस के आधार पर डिपेंड करेगा कि जो रिसर्च कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो किस टाइप से पर्पस के आधार पर उन्हें कैसे बांटता है। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं, मेरिट्स में ही आता है कि ये फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई गणित ज्ञान नहीं है, ये सिंपली लिया जा सकता है, इसमें भी कोई वो नहीं है 20 में से मैंने 10 को ले लिया या 5 को ले लिया, 30 में से मैंने 15 को ले लिया, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है या इन्वेस्टिगेटर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है डाउटफुल रिजल्ट होता है। डाउनफॉल रिजल्ट भी कैसे आता है, डाउटफुल और डाउनफॉल भी आता है। कैसे आता है डाउनफॉल, कि हमारे यहाँ पर इसके अंदर मैं ये नहीं समझती कि मेरा आंकड़ा बिल्कुल सही है या मैंने जो पर्पस लिया है, जिस स्टूडेंट को मैंने लिया है उसका बिल्कुल रीज़न से वो एकदम सेलेक्ट
एक्सपेक्टेड है। सो ये दो आपके मेथड हो गए, एक तो पर्पसेस हो गए, एक रैंडम हो गया। थर्ड आता है आपका स्टेटिफायर, इसके अंदर आपका आता है बेटा कि रैंडमली लिया जाता है। और जैसे अभी तक आपने रैंडम ये और ये पर्पसेस सेम हो सकता है, बट इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि इसके अंदर स्टॉर्स बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं। वो बताया जाता है कि जैसे मैंने 30 बॉयज़ हैं मेरी क्लास में, 50 स्टूडेंट हैं, उसमें से 30 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं। तो मैं ग्रुप डिवाइड करूँगी, पहले उन ग्रुप को मैं ऐसे बनाऊँगी कि मान लो 20 बॉयज़ का बना लिया मैंने, और 30 बॉयज़ का ग्रुप बनाया, 30 का टोटल बॉयज़ हैं, उनमें से मैंने पहले 20 का एक ग्रुप बना लिया, फिर 10 का एक ग्रुप बना लिया, या मैंने 15 का एक ग्रुप बना लिया, दूसरा भी 15 का बना लिया। बिना ग्रुप के ये मेथड नहीं चलता है, रैंडमली ही होता है। परंतु इसमें क्या होता है, पहले दो ग्रुपों में बांटा जाता है उसको। बिना ग्रुप के ये इस मेथड काम नहीं आता है। इसके अंदर इसके मेरिट्स है कि इसके अंदर डिवाइड आइटम होते हैं, मतलब कि अलग अलग तरह के आइटम्स को हम ले सकते हैं या स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। ये रिलायबल होता है, इसके अंदर रिलायबल मतलब इसके सोर्स जो डेटा होते हैं वो रिलायबल है। और कंपैरेटिव रिजल्ट ले सकते हैं कि हम लोग इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि गर्ल्स का स्टूडेंट डेटा ज़्यादा अच्छा था या बॉयज़ का अच्छा था, हाइट के रूप में, पॉपुलेशन के रूप में, किसी के रूप में भी हम इसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी डीमेरिट्स, इसमें लिमिटेड स्कोप होता है। लिमिटेड स्कोप क्यों होता है कि मान लो ग्रुप के अंदर वो लिमिटेड ही रह जाता है, हम उसे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पार्शलिटी कर सकते हैं हम, है ना। इसमें पार्शलिटी हम कैसे कर सकते हैं कि मान लो मुझे जो इन स्टूडेंट्स को चाहिए, मान लो मेरे को सिर्फ बॉयज़ का ही चाहिए तो मैं बॉयज़ का ही ग्रुप लूँगी, इसके अंदर ये नहीं चल, ये ही होता है। सिस्टमेटिकली फोर्थ पार्ट आता है हमारा इसमें, सिस्टमेटिक कैसा होता है इसमें, क्या होता है बेटा, इसके अंदर ये सेम वैसा ही होता है जैसे पर्पसेस का होता है सिस्टम। अब आपको मैंने नीचे एक वो दिखाया है, उसके अंदर मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि किस हिसाब से 100 स्टूडेंट है मान लो, इसको एक ग्रुप के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि इसको हम ग्रुप में कैसे बांटते हैं। तो इसके अंदर आता है कि 100 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से मैंने 10-10 के 10 ग्रुप बना लिए। अब उन 10-10 में से एक सिस्टम के आधार पर चलता है ये, मान लो मैंने मुझे छठा बच्चा काउंट करना है, तो वो 6 पहले वाले में से मैंने 6 लिया, दूसरे वाले ग्रुप में वो 16 पे आ गया, तीसरे वाले ग्रुप में 26 में आ गया, 10th फोर्थ वाले ग्रुप में 36 में आ गया। तो मतलब कि ये डेटा 10x10 चलता जाएगा, ये एक रेंडमली नहीं चलेगा, ये वास्तविक रूप में एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रूप में चलता है। सो इसके डिमेरिट्स क्या है, इसके मेरिट्स हैं कि ये एक सिंपल है, हम इसमें सिंपल ले सकते हैं कि इसमें हमें पता है कि ग्रुप बांटने हैं, ग्रुप के बाद सिस्टम से चलना है, और नो पार्शलिटी, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होती है, सब कुछ ईजीली चल सकता है। और इसके डिमेरिट्स क्या है, एवरी आइटम नॉट इंक्लूड, इसके अंदर सारे आइटम को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सो द फिनिश ऑफ योर सेकेंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा, इसके अंदर हमने जो पार्ट पढ़े थे, सबसे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कलेक्शन कैसे किया जाता है डेटा का। इसके बाद मैंने एक वीडियो कलेक्शन ऑफ डेटा पे भेजा है, इस पर्पज़ आ गया। इसके बाद आया है हमारा कि हमने जो मोड ऑफ कलेक्शन थी वो क्या क्या थे, सेंसेस और सैम्पलिंग के ऊपर मैंने दो वीडियोस बना दिए हैं। अब मंडे को इसकी PDF आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दूंगी कि इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है। क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, इसमें नॉन सैम्पलिंग मेथड एरर आ गई, और ये सारे आप बुक में, इसके अलावा अगर आपके बुक में कोई एक्स्ट्रा है सो कॉल मी और मुझे बता सकते हैं आप लोग। सो कंटिन्यू इट, थैंक यू, टेक केयर।